नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 26 अप्रैल को गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जो रिजर्व लिस्ट के कैंडिडेट हैं किसी भी एग्ज़ाम के, वो तब तक ही रिजर्व लिस्ट माने रहेगी जब तक कि उस विभाग में अन्य वैकेंसीज पे, जैसे अन्य कोई एग्ज़ाम ना हो जाए। जैसे आरपीएससी सेकंड ग्रेड की बात कर लें तो 2000 वाले सेकंड ग्रेड की जो वेटिंग लिस्ट है, वो अगर उनको नियुक्ति पहले दे दी गई 2018 वाली एग्ज़ाम से तब तो ठीक है, लेकिन अगर 2018 की एग्ज़ाम होने तक उनको नियुक्ति नहीं दी गई तो 2018 की एग्ज़ाम होने के बाद उस जो वो आपकी वेटिंग लिस्ट रही है, रिजर्व लिस्ट रही है, वो कैंसिल मानी जाएगी। उनको फिर रिजर्व लिस्ट के आधार पे ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, उनको भी फ्रेश कैंडिडेट की तरह ही देखा जाएगा और वह रिजर्व लिस्ट कैंसिल हो जाएगी। एक न्यूज़ तो ये आ रही है। दूसरी न्यूज़ है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2000 जो शिक्षक भर्ती है, 2016 वाली आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016, उसकी नियुक्ति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और ये रोक सभी विषयों के ऊपर लगाई गई है। ये नहीं है कि एक दो विषय पर, सभी विषयों की नियुक्ति प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने 2016 की भर्ती पर रोक लगा दी है, सेकंड ग्रेड वाली पे। और ये रोक लगाई है जस्टिस वी एस सिराधना, जिन्हें जो कि रीट लेवल 2 की भी सुनवाई कर रहे हैं अभी फ़िलहाल में, जिसकी 4 मई को सुनवाई है, और इन्होंने ही रीट लेवल 2 का जो रिजल्ट है उसके ऊपर रोक लगाई है जस्टिस वी एस सिराधना ने। अब ये याचिकाकर्ता जो हैं, ये हैं अमिता और अन्य, अमिता जी हैं, उसके साथ अन्य लोग भी हैं, उन्होंने याचिका लगाई थी और इनकी पैरवी की थी राम प्रताप सैनी और लक्ष्मीकांत जी शर्मा ने। तो बड़ी खबर यही है कि आरपीएससी 2016 पे जो है नियुक्ति प्रक्रिया पे रोक लगा दी गई है। अब ये प्रक्रिया वैसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने केवीएक्ट फाइल इसके ऊपर डाल रखी है कोर्ट में, तो ये ज़्यादा दिन कोर्ट में नहीं रुकेगी, हो जाएगी। लेकिन एक बार के लिए द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2016 पे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। और दूसरी बड़ी खबर यही है कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने सर्कुलर जारी करके बोल दिया है कि जो रिजर्व लिस्ट है वो तब तक ही मान्य है जब तक कि उसी विभाग में दूसरा एग्ज़ाम आयोजित ना हो जाए। दूसरा एग्ज़ाम होते ही वह भर्ती प्रक्रिया अपने आप जो है वो सॉरी जो रिजर्व लिस्ट है वो अपने आप रद्द कर दी जाएगी, रद्द मानी जाएगी। तो दोस्तों, इसी प्रकार की अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पास के बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि आपको वीडियो डालते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।